बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर की बात करेंगे। सतना से बड़ी खबर, शराबी युवक ने जमकर बवाल काटा, महिलाओं समेत कई लोगों से उसने मारपीट की। ऑटो में बैठने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था और लोगों ने भी इस शराबी युवक की जमकर धुनाई कर दी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहले इसने बवाल काटा, फिर लोगों ने बवाल काटा, बवाल ने बवाल को काटा। इस तरह से ही दरअसल स्थितियां चल रही हैं। सेमरिया चौक की पूरी घटना है, किस तरीके से शराबी युवक था और हंगामा इसने किया, महिलाओं समेत कई लोगों से इसने मारपीट की, ऑटो में बैठने को लेकर विवाद हुआ, विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गया। पहले इसने लोगों से बदतमीजी की और उसके बाद फिर लोगों ने जमकर इसकी धुनाई कर दी। सतना का यह पूरा घटनाक्रम है, ऑटो में बैठने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ और विवाद देखते ही देखते बढ़ता चला गया। ऑटो स्टैंड, बस स्टैंड में आपने इस तरह से देखा होगा, सवारी को लेकर विवाद की स्थितियां हमेशा बनती हैं। ये युवक, शराबी युवक, इसे आप देख रहे हैं, बदतमीजी ये कर रहा था, मारपीट ये कर रहा था। शिवेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, क्या अपडेट? जानकारी मिल पा रही है, नई बस्ती का रहने वाला है ये, शराब के नशे में ऑटो में बैठना चाह रहा था, लेकिन ऑटो चालक और जो उसकी महिलाएं बैठी थी उन्होंने उनका विरोध किया क्योंकि वो नशे की हालत में था, जिससे वो भड़क गया। पहले एक युवक के साथ में मारपीट करता नजर आ रहा है और उसके बाद जब महिलाओं ने उसका विरोध किया तो महिलाओं के साथ भी मारपीट करने की कोशिश की और मारपीट की। इस बात को लेकर ऑटो चालक और जो सवारी थे वो भड़क गए और उन्होंने भी उसके साथ में मारपीट की। हालांकि जो ऑटो चालक था उसने सूझबूझ का परिचय दिया और हंगामा बढ़ता देख उसने सवारियों को ऑटो में बिठा कर वापस चला गया। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस से शिकायत नहीं की, लेकिन सवाल बड़ा होता है कि चौराहे पर पुलिस तैनात रहती है, जहां पर यह घटना हुई है वहां चंद मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में संज्ञान नहीं लिया और इस तरह की वारदातें लगातार सपना में देखने को मिलती हैं, जहां पे शराबी इस तरह के उत्पाद मचाते हैं और आम राहगीरों को परेशान करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शिवेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे, सेमरिया चौक की पूरी घटना। इधर दुर्ग से बड़ी खबर, स्कूटी समेत नहर में छात्रा गिरी और हादसे में छात्रा की मौत हो गई। सिरसा कला गांव की ये पूरी घटना है, सीसीटीवी फुटेज भी इसका सामने आया। भिलाई 3 थाना क्षेत्र लगता है और उसी में आता है सिरसा कला गांव, जहां स्कूटी समेत एक छात्रा नहर में जा गिरी। इस छात्रा की हादसे में मौत हो गई। सिरसा कला गांव की घटना है, वजह साफ नहीं हो पाई है कि आखिर अचानक से कैसे हादसा हुआ, क्या कोई मानवीय भूल इसके पीछे है, रफ्तार की कोई वजह इसके पीछे है, खराब सड़कें इसके पीछे हैं, ये तमाम सवाल बरकरार। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर, नगर निगम के पीएचई में घोटाला, 24 घंटे में 1 करोड़ हुए जमा। फर्जीवाड़ा करने वाले 4 कर्मचारियों ने 1 करोड़ रुपए जमा करवाए और कैसे, 71 फर्जी खातों में वेतन और एरियर का भुगतान कर दिया गया। 16,42,00,000 के भुगतान में सांठगांठ थी, अफसर और कर्मचारियों की सांठगांठ से भुगतान हुआ। इसके लिए एक टीम बना दी गई है, भोपाल से जांच टीम आज यहां पहुंचने वाली है और 2017 से यह घोटाला चला आ रहा था। सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, 2017 से घोटाला चल रहा था, आज जांच के लिए टीम आ रही है, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, स्टेट विजिलेंस की टीम ने ये पूरा घोटाला पकड़ा था और इसके बाद ग्वालियर में भी 16 करोड़ से ज्यादा का पीएचई विभाग में घोटाला सामने आया था और इस घोटाले की जांच शुरू होने के साथ ही अधिकारियों और जो लिप्त कर्मचारी हैं उन पर एफआईआर की तलवार लटक गई है और यही वजह है कि अब इस मामले में जिन लोगों ने गड़बड़ी की थी वो लोग बिल वापस करने के बाद अब राशि जो है जमा करा रहे हैं। 4 लोगों ने बीते 24 घंटे में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पीएचई विभाग में वापस जमा करा दिए हैं, साथ ही जो बिल है उनका भी लगातार मॉनिटरिंग कर वापस करने का काम चल रहा है। यानी कहा जा सकता है कि अब इस घोटाले में जब
जांच शुरू हो गई है और एफआईआर की तलवार और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है। तो जो लोग इसमें शामिल है वो धीरे धीरे करके रुपया लौटाने लगे ताकि किसी तरह से वो बच जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो टीम आएगी वो इस पूरे मामले की जांच करेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अनुशंसा भी की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। और अब रायपुर से बारिश भरी खबर। राजधानी रायपुर में झमाझम बारिश का सिलसिला। रायपुर में सुबह से बारिश हो रही है। रायपुर ही नहीं, छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश चल रही है। झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है राजधानी रायपुर, और न सिर्फ रायपुर बल्कि छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश हो रही है। और अब खबर ग्वालियर से। मिहिर भोज प्रतिमा से टीन शेड हटाने का यह पूरा मामला है। दो आरोपी पकड़ लिए गए हैं, तीन अन्य की तलाश जारी है। तीन शेड हटाने वाले रॉकी गुर्जर और सतेंद्र बैसला गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सोमवार को मिहिर भोज प्रतिमा स्थल की टीन शेड हटा ली गई थी। टीन शेड हटाने के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किए गए थे। हाईकोर्ट के आदेश पर नाम पट्टिका को ढकने के लिए टीन शेड लगाई गई थी। हाईकोर्ट में मिहिर भोज का मामला चल रहा है। अक्टूबर में इस मामले में सुनवाई होनी है। इधर स्टाइपेंड की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ में कल से जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। आज जूनियर डॉक्टर ओपीडी और इमरजेंसी सेवा को बंद रखेंगे। स्टाइपेंड बढ़ाने को अनुपूरक बजट में शामिल न करने को लेकर जूनियर डॉक्टर्स में गुस्सा है। सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते मरीजों की परेशानी बढ़ी हुई है। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ रही हैं। ममता के पास आपको लिए चलेंगे, और लगातार ये हड़ताल चल भी रही है। ममता आपको नजर आ रही होंगी। ममता, स्लोगन में लिखा हुआ था, जो हाथों की तख्तियां उनमें लिखा हुआ था, हमने किया भरोसा आपने दिया धोखा। क्या बीच का रास्ता निकालने की कोई कोशिश? क्योंकि बारिश के बाद और बारिश के साथ मरीजों की तादाद एकदम बढ़ेगी। ममता देखिए, बिल्कुल पहले भी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हुए थे और उसके बाद में उन्होंने हड़ताल वापस ले ली थी, लेकिन इस दौरान हॉस्पिटल की में स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी। प्रदेश का जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है मेकाहारा, वहाँ पर तो और जितने भी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर अगर हम बात करें तो वो हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा जूनियर डॉक्टर्स पर ही डिपेंडेंट है, और सीनियर्स जो हैं उनके एक पर्टिकुलर टाइम तक ड्यूटी लगती है, बाकी समय चाहे ओपीडी हो चाहे आईपीडी हो वो जो है वो जूनियर डॉक्टर्स ही संभालते हैं। तो ज़ाहिर तौर पर हो गई है और आज तो इमरजेंसी रहेगी। हालांकि हॉस्पिटल प्रबंधन का ये हमेशा की तरह दावा है कि अतिरिक्त व्यवस्था जो है वो कर ली गई है, लेकिन अतिरिक्त कहां से आप लाएंगे? अभी मौजूदा समय में ही जब डॉक्टरों की कमी से अस्पताल जूझता रहता है तो अतिरिक्त डॉक्टर्स कहां से आएंगे? तो देखना ये है कि क्या सरकार और जूनियर डॉक्टर्स के बीच में कोई बीच का रास्ता निकलता है, या फिर सरकार जो है वो एस्मा लगाती है और एस्मा के तहत जो है वो कार्रवाई की चेतावनी दी जा सकती है। लेकिन चुनावी साल है और जूनियर डॉक्टर्स भी बखूबी समझते हैं कि ऐसे समय में जो है वो जो एक दबाव जो है वो डाला जा सकता है, और जूनियर डॉक्टर्स ही क्यों, पूरे प्रदेश भर के जो कर्मचारी हैं वो इसी के चलते स्ट्राइक कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि चुनावी साल है और ऐसे में जो है हो सकता है दबाव काम कर जाए। लेकिन मरीजों की दिक्कत जो है वो काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गई है और उनके लिए तो उनको जो है वो ज़िंदगी धोखा दे सकती है, ये वाली स्थिति हो सकती है। क्योंकि अगर इमरजेंसी सेवाएँ बंद हो गई तो आप सोचिए कि किस तरह की मुश्किलों का सामना जो है मरीजों को करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन तमाम जो हड़ताल हैं उनका खामियाजा, चाहे सरकारी दफ्तर हो चाहे हॉस्पिटल्स हो, इसका खामियाजा जो है सबसे गरीब आदमी और मध्यम वर्ग को खासतौर पे जो है इसको झेलना पड़ता है। और अस्पतालों में तो, सरकारी अस्पतालों में तो खासतौर पे अगर हम बात करें तो इसका इस सरकारी अस्पतालों में सबसे ज़्यादा जो है वो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग जाते हैं, वो भरोसा करते हैं अस्पताल पर, डॉक्टर्स पर। तो जाहिर तौर पर कोई ना कोई रास्ता तो जो ज़रूर निकालना चाहिए ताकि बात भी बन जाए, जूनियर डॉक्टर्स की मांगों को लेकर भी कोई विचार किया जा सके या जो भी है, लेकिन मरीजों के साथ जो है वो जान का संकट ना हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ममता इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज आगर मालवा जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।
मुख्यमंत्री बाबा बैजनाथ महादेव के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और आगर नगर में एक रोड शो भी होना है। इसके अलावा वो एक सभा को संबोधित करेंगे। मुख्य सभा स्थल पर वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया है, सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री आज मंदसौर भी जाएंगे। मंदसौर में 876 करोड़ रुपए की मल्हारगढ़ दाब युक्त सूक्ष्म वृहद सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन होना है। 418 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से निर्मित गरोट सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का लोकार्पण और रोड शो भी होना है। सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा वासु के पास आपको लिए चलेंगे। वासु, चुनावी साल भी है, मानसून की झड़ी भी है और आज यही झड़ी मंदसौर और आगर मालवा इन दोनों जगहों के लिए, खास तौर पर मंदसौर के लिए लगेगी, सौगातों की झड़ी। वासु, साल है और मध्य प्रदेश की सियासत के लिहाज से मालवा अंचल का खासा महत्व रहा है और मालवा में जिस तरीके से जो समीकरण नजर आ रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के बीच, खासी जो कांटे का मुकाबला है, जो टक्कर है वो देखी जा रही है और यही वजह है कि आगर मालवा और मंदसौर जो कि मालवा रीजन के मध्य प्रदेश के जो बड़े जिले हैं वहां पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे और कई सारी विकास कार्यों की जो सौगातें हैं वो दी जाएंगी। विकास पर सरकार जो है पूरे प्रदेश में मना रही है और उसी के तहत आज आगर मालवा में भी और मंदसौर में भी कई सारे विकास कार्यों की जो शुरुआत है वो होगी और जो पहले से काम जो पूरे हो चुके हैं, जो पूर्ण हो चुके हैं, उनको जनता को समर्पित करने का भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काम करेंगे। तो लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलग अलग जिलों के दौरे जारी हैं और जो विकास पर्वों का सिलसिला है वो भी लगातार जारी है और सरकार कहीं ना कहीं जनता के बीच पहुंचकर चुनावी साल में ये मैसेज देने का कोशिश भी कर रही है कि लगातार विकास के काम हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम हुआ है, लोगों के लिए जो फ्लैगशिप योजना है, फ्लैगशिप स्कीम्स है, उनको लेकर लगातार काम हुआ है, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, संबल जैसी महत्वपूर्ण योजना हो, इन तमाम बातों के बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब पहुंचते हैं तो वहां पर लोगों से संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं और रोड शो भी सीएम के लगातार चल रहे हैं। रोड शो के दौरान भी ये देखने को आया कि कई बार सीएम खुद जनता से बातचीत करते हैं और जो आम लोग रहते हैं उनकी कुछ समस्याएं होती है तो वो खुद अपना जो आवेदन है वो सीएम के हाथों तक पहुंचा देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट कनेक्शन भी इससे स्थापित होता है, एक संवाद की स्थिति जो है वो डेवलप होती है और ये जो काम है वो लगातार अब और भी ज्यादा तेज होंगे। एक और सरकार शासन प्रशासन स्तर पर अपनी ओर से तमाम सारे कार्यों को में गति लाई है और दूसरी ओर बीजेपी के संगठन की बात करें तो वहां पर भी तेजी से काम चल रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय समेत तमाम जो बड़े नेता हैं उनको अलग अलग जिलों में भेजा जा रहा है, वो वहां पर जाकर कार्यकर्ताओं की और जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, जमीनी जमावट को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम सारे जो चुनावी दौरे हैं, कार्यक्रम हैं, वो भी जारी हैं और प्रशासनिक और सरकारी जो कार्यक्रम हैं वो भी लगातार जो हैं वो चल रहे हैं और मध्य प्रदेश में अब चुनाव जो है वो बेहद नजदीक आ गया है, तो इस तरीके की गतिविधियां आने वाले समय में और भी ज्यादा तेज होती हुई दिखाई देंगी। जी चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब रायपुर से बड़ी खबर, चिटफंड निवेशकों को आज सौगात मिलेगी। चिटफंड के जो निवेशक हैं उनकी राशि आज मुख्यमंत्री उन्हें लौटाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऑनलाइन ये राशि ट्रांसफर करेंगे। सीएम आवास पर ये पूरा कार्यक्रम होना है दोपहर 12 बजे। रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी के जो निवेशक हैं, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया के जो निवेशक हैं, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी के जो निवेशक हैं, उनके पैसे आज लौटाए जाएंगे दोपहर 12 बजे कार्यक्रम। और अब रायपुर से बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल आज प्रगति यात्रा में शामिल होंगे। रायपुर दक्षिण में आज से यह अभियान शुरू होना है। दोपहर 12:50 पर सीएम निवास से रवाना होंगे। 1 बजे दूधाधारी मठ में वो दर्शन करेंगे। तो आज का यह कार्यक्रम रायपुर दक्षिण में आज से यह अभियान शुरू होना है, इस पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। और इधर रायपुर में ही आज बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ये बड़ी बैठक लेंगे। चुनाव समिति, संभाग प्रभारी और मोर्चा, इनकी बैठक होनी है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय संगठक वी सतीश, राष्ट्रीय महामंत्री सी टी रवि,
प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और नितिन नवीन इस बैठक में शामिल होंगे। और अब भोपाल से बड़ी खबर। बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज उज्जैन के दौरे पर रहेंगे। उज्जैन में वो संभागीय बैठक में शामिल होंगे, जीत का मंत्र देंगे, पार्टी के अलग अलग कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे, साथ ही साथ नाराज नेताओं से चर्चा करेंगे। लगातार असंतुष्ट नेताओं को साधने में जुटे हैं तोमर। और ग्वालियर से बड़ी खबर। डबरा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने पुलिस के साथ झूमा झटकी की है। 3 दिन पहले की घटना का एक वीडियो सामने आया है और पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ी खबर ग्वालियर से। जीवाजी विश्वविद्यालय में एनएसयूआई ने नारे लिखे, पोस्टर लगाए, कुल सचिव कुलपति के ऑफिस के बाहर भ्रष्ट कुलपति लिखा। कॉलेजों की संबद्धता के मामले को लेकर एनएसयूआई लगातार विरोध कर रही है और उसी को लेकर ये इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं, नारे लिखे गए हैं, भ्रष्ट कुलपति। और अब सूरजपुर से बड़ी खबर। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई है। बारिश से बचने के लिए ये पेड़ के नीचे खड़े थे। जयनगर थाने के कुंजनगर की यह घटना है। बार बार ये ताकीद की जाती है, इस तरह के विज्ञापन जारी किए जाते हैं, पेड़ के नीचे बारिश और बिजली के समय नहीं रहना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं। कहता है